मुबारक पीठ हिंदू धर्मावलंबियों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। देश प्रदेश से लोग तो आते हैं, इसके अलावा जो एक बार यहाँ पर आता है वो बार बार उसका मन यहाँ आने के लिए करता है। यहाँ के जो महाराज हैं उन्होंने बड़ा नाम कमाया है, उनके प्रवचनों को लोग बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और उन्होंने जो कहा उसे लोगों ने माना है। प्रतिमा भगवान निम्बार्क की है जिनके नाम पर इस पीठ का नाम पड़ा। बरसों पुरानी ये प्रतिमा है और लोगों की जन जन की आस्था का एक केंद्र है। भगवान निम्बार्क यहाँ पर कहाँ से आए थे और किस तरह से लोगों ने उनको पूजना शुरू किया, वो आराध्य देव कैसे बने यहाँ? श्री निम्बार्क भगवान का जन्म स्थान महाराष्ट्र में मुंगीपेटन गोदावरी जी के तट पे है और आप 8 वर्ष की अल्पावस्था में ही नीमग्राम है गिरिराज गोवर्धन जी की तलहटी में, गिरिराज गोवर्धन से 3 किलोमीटर पधारना हुआ। आपके परंपरा में 36वें आचार्य परशुराम देवाचार्य जी महाराज वो यहाँ पधारना हुआ। उनका मस्तिंगसा नाम का एक फकीर था, उसको परास्त करने के लिए यहाँ पधारना हुआ, तब से ये पीठ यहाँ विराजमान है। 550 वर्ष से पूर्व ऐसे यहाँ विराजमान है और वर्तमान आचार्य श्री जी महाराज यहाँ विराजते हैं। अच्छा, ये बताइए राजे महाराजे और जो उस वक्त के जो शासक थे दिल्ली में वो भी यहाँ आते थे और ये जो आपकी जो तस्वीरें बनाई हुई है ऊपर जो चित्रकारी की हुई है इनमें क्या बात बताई गई है? जो आप जो दर्शन कर रहे हैं ये दिल्ली बादशाह शेरशाह सूरी है, ये यहाँ पुत्र मनोति के हिसाब से पधारे और आपके आशीर्वाद से आपके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा सलीम शाह और उनके नाम से ये सलीमाबाद नाम से एक नगर बसाया गया। 500 वर्ष पीठ यहाँ पे प्राचीन है जबकि संप्रदाय को हुए 5110 वर्ष हो गए प्राचीन। चारों संप्रदाय में मुख्य प्राचीन संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय। साल तक सरपंच रहे, किस तरह का चमत्कार आपने देखा है इस पीठ का आपके गांव में और गांव के लोगों की जो आस्था वो किस तरह की है इस पीठ को लेकर? इस पीठ को लेकर गांव की आस्था तो इतनी है कि हम जैसे यही जन्मे इनका आशीर्वाद है पूरा गांव पे। गांव पे नहीं है ये, धर्मनगरी है। इलाका में जब धर्म की मंच होती है या संत का निवास होता है वहां कोई अन्याय या पाप होता नहीं है। मैं तो माया यह की मगर माया यह की है स्वामी जी की मेहरबानी, ठाकुर जी की, धर्मेश्वर जी की, अंतर्यामी की है। मैं कहीं नौकुटी मारवाड़ माने हैं तो महाराज जी इस पीठ का हिंदू धर्म में किस तरह से महत्व है और किस तरह से प्राचीन काल से जो इस पीठ का काम आगे बढ़ा, किस तरह से इसने हिंदू धर्म को आगे दिशा दी है? इस आचार्य पीठ की स्थापना हुई श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज के आज के 500 वर्ष पूर्व। ये सबसे पहले आप यहाँ पर जब पधारे तो एक मस्तिंग साहेब फकीर था, वो जो कोई तीर्थ यात्रा करने जाते इधर होके जाते है पुष्कर इसी मार्ग से जाते तो वो चिमटा गर्म करके और उनको स्पर्श करा देता और बड़ी कष्ट की स्थिति हो गई। तो अनेक संत आए थे, उन्होंने जाके मथुरा में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज से संकेत किया और उनकी आज्ञा प्राप्त करके श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज यहाँ पधारे और उस तांत्रिक यवन फकीर को परास्त किया। और उसके बाद ठाकुर साहब सीओ जी ने कहा कि यहाँ पर कोई मंदिर का निर्माण हो जाए तो आज्ञा हो तो हम इसका आरंभ करें, तो उस समय उन्होंने इसका आरंभ किया।
सलीमाबाद में धर्म और अध्यात्म की गंगा ही नहीं बहती बल्कि वैदिक ऋचाएं भी गूंजती है। यहाँ के वेद पाठी बच्चे हर वक्त संस्कृति को बचाने की सौगंधें खाते हैं और इसी को लेकर यहाँ पर पढ़ाई होती है। किस तरह की पढ़ाई आप लोग यहाँ कराते हैं बच्चों को? यहाँ अभी वर्तमान में ये 9वीं क्लास में यहाँ प्रवेश लेते हैं और 9वीं से लेकर संस्कृत फैकल्टी से संस्कृत माध्यम से यहाँ शास्त्री तक चलता है कॉलेज। भारत की संस्कृति, भारतीय संस्कृति इससे बड़ी तो और कुछ है ही नहीं। पूरे दुनिया में अगर कोई संस्कृति है तो वो भारतीय संस्कृति है। इसको कुछ लोगों ने इसको हिंदू संस्कृति बना करके और ताले में बंद करके रख दिया है। नहीं तो ये तो विश्व संस्कृति है, ये मानव संस्कृति है। ये कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की संस्कृति नहीं है। ये वेद जो सृष्टि क्रम है, सृष्टि की रचना हुई है कैसे, ये सारे इसमें वर्णित हैं। सलीमाबाद का ये जो नजारा है ये आने वाले दिनों में और ज्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा और ये बताएगा कि सनातन संस्कृति जो है वो लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। पवित्र सरोवर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर जब भी मेले लगते हैं निम्बार्क तीर्थ में आस्था रखने वाले लोग इसमें स्नान करते हैं। सैकड़ों सालों पहले इसका निर्माण हुआ लेकिन अब इस सरोवर की जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। दीवारें बहुत मजबूत है लेकिन पानी की सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है, इसलिए निम्बार्क तीर्थ में आस्था रखने वाले भी परेशान हैं और वो ये सोचते हैं कि आखिर क्यों नहीं सरकार और प्रशासन इसकी सुध ले रहा है।